Hey guys, welcome to Unacademy sponsors Bank Regulatory Body Exams. So guys, this is Ruhi, your friend, mentor, educator and guide at Unacademy, specialized in handling multiple subjects like ESI, finance, management and many other subjects for your bank regulatory body exams like RBI Grade B, SEBI, PFRD and many other examinations like Insurance Regulatory Development Authority of India जो कि IRDA इंश्योरेंस एग्जामिनेशन है. तो जितने भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स है गाइस उन सबका प्रिपरेशन मैं आपका अनअकैडमी पे कराती हूँ. तो आज के सेशन में गाइस हम दिसंबर का कंप्लीट मैराथन क्विज करने वाले हैं जिसमें आपको पूरे दिसंबर के सारे पॉसिबल एमसीक्यूज मिलेंगे विद डिटेल्स एंड स्टैटिक फैक्ट्स जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं in your upcoming bank exams, okay, like SBI PO, IBPS, RRB and even your regulatory body exams का GS section, ESI section and finance section. तो ओवरऑल गाइस ये पर्टिकुलर सेशन जो है आपके सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, ओके, जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को क्विकली. यू हैव टू फॉलो द एंटायर सेशन इफ यू रियली वांट टू स्कोर रियली वेल विद एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो Unacademy इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियाज प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरीज का प्रिपरेशन होता है एंड यस बैंक रेगुलेटरी कैटेगरी में ये आपके टॉप एजुकेटर्स है विद देयर टॉप बैचेस. Okay, 100% trust of the learners. Live batch is conducted every month. Multiple batches होते हैं. Experienced qualified educators से 100% feedback के साथ जो है हम हर एक चीज को आपके cover करते हैं. So these are the list of educators, guys. And in this we have ongoing exams. Okay, preparation RBI से भी NABARD का चल रहा है. अपकमिंग डेज में एलडीआई का भी प्रिपरेशन होगा. जैब कैप जो कि बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स है, बहुत ही डेडिकेटेड एंड यूनिक प्रिपरेशन की इसको जरूरत है, वो भी सारे एग्जाम्स हम यहाँ पे कवर करते हैं. सो ये आपके बैच कोर्सेस है जिसके लिए आप एनरोल कर सकते हो. जहाँ तक बेसिक टू एडवांस बैच का सवाल है, इट कम्प्लीट्स योर 100% सिलेबस, ओके, फॉर फाइनेंस, मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, ईएसआई, सोशल इश्यूज, रिपोर्ट्स, सारी चीजों को एक ही बैच के अंदर यहाँ पे कवर किया गया है. तो आप एनरोल कर सकते हो. सेबी का भी वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है. अपकमिंग डेज में आपको यहाँ पे एमसीक्यू बैचेस भी मिलेंगे. जैसे ही सेबी का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, वेरी सून यू विल फाइंड वेरी नाइस यूनिक गुड बैचेस which will help you to score more and right track your accuracy and all. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस है, आप एनरोल कर सकते. So guys, if you are going for a subscription, make sure that if you are a beginner, go for a 1 or 2 year subscription because the syllabus is really very vast. Okay, बहुत time लगता है syllabus को cover करने और practice करने में. तो I think आप beginner हो तो 2 साल का subscription ले सकते हो. Additional months भी आपको available हो जाते हैं. इसके बाद अगर आप कोड यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ मेंटरशिप गाइडेंस फ्रॉम माय एंड. कोई भी यू नो स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है तो आप सीधा से मुझे सवाल पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, क्रैक रेगुलेटरी बॉडी विद रूही मैम, ओके, एंड आई बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन. सो गाइज you can go for it, everything is set and we just need to crack it, okay. so RBI और सेबी के प्रिपरेशन को अभी आपको लग जाना है. तो इसी वजह से मेरा जो नेक्स्ट बैच आने वाला है वो सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे बिकॉज ईएसआई हो गया, फिनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसके बहुत सारे बैचेस में हमने अपना स्टैटिक सिलेबस कवर कर लिया है. अब बारी आती है करंट अफेयर्स की. तो जनवरी में आपको करंट अफेयर्स के डिटेल बैचेस जो है देखने मिलेंगे. सो ये आपके प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे. तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की. So here we go with the first question. As a part of its commitment to sustainability and a net zero future, which bank has launched India's first credit card made from recycled PVC plastic? So यहाँ पे recycled PVC plastic से इनमें से किस बैंक ने जो है पहला credit card बनाया है? So your options are HDFC, HSBC, ICICI and Yes Bank. So guys यहाँ पे आपका correct answer है HSBC. So it is HSBC group which has launched a program, नया program launch किया गया है to introduce sustainable cards across all its global locations, which is made of 85% recycled plastic. Okay, so 85% recycled plastic से क्रेडिट कार्ड बनाया गया है जो कि HSBC ने हाल ही में अपने प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च किया है और ये इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड है जिसको रिसाइकल PVC से बनाया गया है. सो दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है. नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व? एड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को. 1 दिसंबर को हर साल जो है हम एड्स डे मनाते हैं और इस साल एंडिंग द HIV एपिडेमिक इक्विटेबल एक्सेस एवरीवन्स वॉइस, थीम याद रखना है गाइस. क्वेश्चन बनता है थीम से लेकर यह दिन कब बनाया जाता है एंड इस दिन को कौन रिकॉग्नाइज किया है. तो यहाँ पे 1 दिसंबर में हर साल जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम जो है एड्स डे मनाते हैं to create awareness among the people about the HIV, including people at risk for HIV, and to reflect on those who have died from AIDS. Okay, so this day is officially declared on 1st of December. Next question, pehla edition of India Young Water Professional Program was launched virtually today along with which country? So हाल ही में ये प्रोग्राम का पहला एडिशन लॉन्च किया गया है गाइस, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम, जो कि लॉन्च किया था ऑस्ट्रेलिया ने. ओके, सो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट एडिशन है, याद रखना है गाइस. इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वर्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर मनप्रीत वोहरा, इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया. तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किस कंट्री ने से लॉन्च किया था और ये प्रोग्राम किसके प्रेजेंस में लॉन्च किया गया है. तो हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया है मनप्रीत वोहरा है, जिनके प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया था. ये वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम है. कंसीडरिंग द थ्रेट्स ऑफ ओमिक्रॉन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इश्यूड रूल्स for international travelers arriving in India and this will kick into effect from today. ठीक है, so दिसंबर की न्यूज रही है जहां पे जो है इनमें से किस स्टेट ने ओमिक्रॉन थ्रेट की वजह से ट्रैवलर्स के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर बैन लगाया था. सो या इट वाज वेरी फर्स्ट टाइम डन बाय महाराष्ट्र, पहली दफा महाराष्ट्र ने इसे किया था वेरी फर्स्टली. तो ये याद रखना है, सबसे पहला स्टेट जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे बैन लगाया था ड्यू टू द थ्रेट ऑफ ओमिक्रॉन वाज महाराष्ट्र. Next, 4-day butterfly survey was conducted by the Forest Department and Nature History Society. The survey has recorded a remarkable increase in the species numbers. The Peachy Wazhani, Chimoni, and Cholander wildlife sanctuaries were surveyed using 14 base camps, in which state this sanctuary is located. So, यहाँ पे guys static बन सकता है, तीनों sanctuaries का नाम याद रखो. ओके, सो चिमोनी है, पीछी वाजनी है एंड चिनोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ये किस स्टेट में लोकेटेड है? तो गाइस दीज आर लोकेटेड इन केरला. ओके, तो तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है केरला में लोकेटेड है गाइस, जिनको यहाँ पे सर्वे किया गया था. ओके, यूटिलाइजिंग 14 बेस कैंप्स the survey was conducted and the 4-day state butterfly survey was carried out by the state of Kerala Forest Department and Travancore National History Society, Tiruvananthapuram. तो ये जो 4 दिन का बटरफ्लाई सर्वे था, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? दोनों डिपार्टमेंट्स का नाम यहाँ से इम्पोर्टेंट है. इसी के साथ जो है गाइस 156 बटरफ्लाई species out of 326 present in Kerala were recorded within 242 square kilometer division. Okay, so starting here से बुद्धा peacock, the state butterfly of Kerala. So question बन सकता है केरला का स्टेट बटरफ्लाई कौन सा है? So it is बुद्धा peacock. Okay, so next question, the latest GDP and GDA estimates for National Statistical Office (NSO) has affirmed that the economy is now on the path of recovery after the last fiscal's record contraction. Second quarter GDP expanded to how much percent? So second quarter GDP, as per NSO survey, is expanded to 8.4%. Okay, so latest according to December 8.4% second quarter के लिए expansion रहा है. rebounding from earlier period 7.4% का कॉन्ट्रैक्शन. सो जो भी आपके लेटेस्ट फोरकास्ट है वो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो ये वाला आपका लेटेस्ट आने वाले SBI IBPS मेंस में पूछा जा सकता है. Government has come out with the third tranche of its flagship Bharat Bond ETF. Okay, so which will be launched on which date? So ये भारत बॉन्ड ETF जो है किस डेट पे लॉन्च किया गया था? So it was launched on 3rd of December. 3rd December को लॉन्च किया गया था guys. भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का फुल फॉर्म हमेशा से एग्जाम का पार्ट रहा है. So एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड वो बॉन्ड्स जो एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं. So basically ETF 3 दिसंबर को लॉन्च हुआ था. ये नया ETF है जिसको भारत बॉन्ड ETF कहा गया है और इसका जो मैच्योरिटी है वो 10 साल का है. सो ये 10 इयर्स लेगा. अप्रैल 2032 पे 2032 में ये मैच्योर होने वाला है. सो यहाँ पे अगर हम ETF की बात करें सो एक टॉपिक है आपका बॉन्ड्स. ओके सो एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो बॉन्ड जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे. तो एक टाइप का सिक्योरिटी है दैट ट्रैक्स इंडेक्स सेक्टर कमोडिटी एंड अदर एसेट्स बट व्हिच कैन बी परचेस्ड और सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे सेल किए जाते हैं. ऐसे टाइप ऑफ सिक्योरिटीज को हम एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड्स कहते हैं. जहां पर हमें स्टॉक एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है वो आपके होते हैं ओवर द काउंटर सिक्योरिटीज OTC. So you have two types of securities. So this is traded on exchange. So it is exchange traded funds. Next question. In the Union Budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the privatization of two public sector banks. To oppose this as an umbrella body of 9 unions has given a call for 2-day strike. Okay, हाल ही में आपने देखा होगा 2 दिन का स्ट्राइक हुआ था 16 दिसंबर. So to protest against the proposed privatization, what is the name of that umbrella body? So in unions की जो umbrella body जिसने 2 दिन का strike किया था against privatization was United Forum of Bank Unions. Okay, so UFBU, United Forum of Bank Unions, ये umbrella body ने strike को announce किया था. And government has listed the Banking Laws Amendment Bill 2021 for introduction and passage during the current session of the Parliament. So exam point of view से यहाँ पे आपका UFBU का full form important बनता है. Next question. Economics Intelligence Unit has announced worldwide cost of living index. So worldwide cost of living index 2021 हाल ही में EIU के द्वारा घोषित किया गया था. तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सिटी है जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी दुनिया में रहा है टू लिव इन 2021 में? सो टू लिव इन द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इज टेल अवीव इजराइल. ओके सो ये सर्वे कंडक्ट किया गया था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ध्यान में रखना है. सो इजराइल का टेल अवीव जो है सबसे महंगा एक्सपेंसिव सिटी माना गया है 2021 का. नेक्स्ट ऑथर बताने हैं ऑटोबायोग्राफी के. So the Ambuja story, how a group of ordinary men created an extraordinary company. इस बुक के जो ऑथर है वो है नरोत्तम सिखासार्य. ओके सो नरोत्तम सिखासार्य फॉर्मर वाइस चेयरमैन रहे, फाउंडर रहे, प्रमोटर रहे अंबुजा सीमेंस के. सो स्टैटिक बन सकता है एग्जामिनेशन में गाइस. The author of the book, okay, book का नाम आपके सामने रहेगा The Ambuja Story, How a Group and Ordinary Men Created an Extraordinary Company. So basically ये रिलीज की गई है दिसंबर 2021 में और इसके जो ऑथर है ये किस कंपनी के वाइस चेयरमैन है आपसे पूछ सकता है. तो ये अंबुजा सीमेंट के वाइस चेयरमैन है, प्रमोटर है मतलब ओनर है, फाउंडर है. ओके Which bank has signed an agreement with Usha International Limited for empowering women entrepreneurs for providing financial assistance? The financial assistance will be provided under the joint liability group model. So हाल ही में कौन से बैंक ने है यहाँ पर टाई अप किया है, अग्रीमेंट साइन किया है UIL के साथ. तो UIL के साथ अग्रीमेंट करने वाली बैंक है SBI. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अग्रीमेंट साइन हुआ है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ. और ये अग्रीमेंट के तहत वो वुमेन एम्पावरमेंट एम्पावर करेगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। सो वो सारे महिला जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंस सहायता देने के लिए यहाँ पर पार्टनरशिप की जा रही है। सो ये जो है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप मॉडल के तहत रहेगा। सो दिस इज अ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बिटवीन यूआईएल एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों का जो मेमोरेंडम रहेगा वो एसबीआई और यूआईएल ब्रांचेस ऑफ बैंक इन उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी एंड एनसीआर हरियाणा में रहेगा, जिसके तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे दिया जा रहा है सो दैट दे कैन purchase the sewing machines and it can help them develop their business activities. International Day for Abolition of Slavery, दूसरा दिन है यहाँ पर International Day for Abolition of Slavery 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सो ये इंटरनेशनली डिक्लेयर किया गया था 2 दिसंबर को अडॉप्शन बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे इसको किसने अडॉप्ट किया है? इस दिन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली ने। सो बेसिकली यहाँ पे ये दिन अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को इरेडिकेट करने की बात करता है। सो 1986 से हम ये दिन को मनाते हैं। Theme of World Computer Literacy Day is literacy for human-centered recovery, narrowing the digital divide. अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी थीम दिया है, दिन कब मनाया जाता है। सो यस वर्ल्ड कंप्यूटर्स लिटरेसी डे 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। सो गाइस ऑब्वियसली एज अ नेम इंडिकेट्स कंप्यूटर लिटरेसी की बात हो रही है तो यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है अबाउट द कंप्यूटर एंड टू एनकरेज पीपल टू यूज देम वेरी एफिशिएंटली टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, राइट। सो बेसिकली डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देते हुए ये दिन जो है मनाया जाता है। Second highest since rollout in July 2017, the GST collection jumped to how much? Very important question guys, ये बैंक रेगुलेटरी के GS सेक्शन या फाइनेंस सेक्शन में पूछा जाता है। सो यहाँ पे जुलाई 2017 में GST रोल आउट किया गया था 1 जुलाई एंड सिंस देन जो GST collection है it jumped to 1.34 लाख करोड़। सो the figure is important here, 1.31 लाख करोड़ नवंबर में हुआ। सेकंड हाईएस्ट रहा है अब तक का। देन इन लाइन विद द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो जीएसटी रेवेन्यू रहा है नवंबर 2021 में 25% हाई रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड 27% हाई रहा है एज कंपेयर टू 2019। So it has been the second highest ever since the introduction of GST, which was done in June 2021. National Pollution Control Day is observed annually on. So National Pollution Control Day भी हम जो है 2 दिसंबर को ही मनाते हैं। So बहुत सारे डेज हमने देख लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस डे, slavery abolition day, and here we have the another day that is National Pollution Control Day, जो भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सो बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, राइट, टू रिमेंबर दोस पीपल, टू पे ट्रिब्यूट टू दोस पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स in the Bhopal gas tragedy. Every year 2nd of December is celebrated as National Pollution Control Day. Okay, so next question यहाँ पे President of India श्री रामनाथ कोविंद 5th International Ambedkar Conclave inaugurate कर चुके हैं, being organized by the Forum of SC and ST legislators and Parliament. तो ये जो forum हुआ था, बेसिकली ये जो इवेंट हुआ था इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव, ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली वाज अ वेन्यू जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद 5th इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था किस सिटी में? वही क्वेश्चन है गाइस, सॉरी फॉर द रेपिटेशन, इट वाज न्यू दिल्ली हैज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which footballer wins Ballon d'Or for a record 7 times consecutively? 7 बार इनमें से किस फुटबॉलर ने मेंस Ballon d'Or अवार्ड जीता है? तो ही इज नन अदर देन लायनेल मेसी। ओके सो कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपको। सो बेसिकली अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं लायनल मेसी, जिन्होंने मेंस बैलन डोर कितनी बार जीता है, कंसेक्यूटिवली 7th टाइम इन्होंने जीता है। इसके अलावा बार्सिलोनास एलेक्सिया पोर्टोला ने वुमेन्स बैलन डोर जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मेन या फिर वुमेन कोई भी पूछा जा सकता है। सो इट इज एलेक्सिया पोर्टोला। ओके सो 34 वर्ष के हैं मेसी, who led Argentina team to the Copa America title and in July after losing the 4 major international finals, and basically now he has won this Ballon d'Or award for the 7th time. SBI has signed an agreement with which company? So basically for co-lending to farmers for the purchases of tractors and farm implement. ओके सो ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए एसबीआई ने इनमें से किसके साथ जो है को लेंडिंग अग्रीमेंट किया है, तो उस कंपनी का जो नाम है वो है अडानी कैपिटल। ओके सो अडानी कैपिटल का ये अग्रीमेंट एसबीआई के साथ हुआ। अडानी एक एनबीएफसी है, ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। सो जस्ट लाइक अ बैंक ये फंक्शन करती है, बट इट इज नॉट अ बैंक। सो अडानी कैपिटल का को लेंडिंग एग्रीमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ। पर्पस ध्यान में रखना है, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए सहायता यहाँ पे दी जा रही है। अडानी कैपिटल के सीईओ गौरव गुप्ता जी हैं। गौतम शांतिलाल अडानी इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन है एंड चेयरमैन है, फाउंडर है ऑफ अडानी ग्रुप। वेरी स्टैटिक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है द सीईओ। ओके सो हु इज द सीईओ ऑफ अडानी? सो इट इज गौरव गुप्ता। Next question, Delhi Dehradun economic corridor to be launched on 4th December which is likely to cut the travel time between two cities from 6 hours to 2.5 hours. So basically ये जो corridor है इसका ये जो project है इसका total cost आपको बताना है, Delhi Dehradun corridor. So basically इसका total cost है 8,300 करोड़। गाइस क्वेश्चन यहाँ से 2-3 तरीके के बन सकते हैं। सो ये आप तो आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ सकते हैं। सो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये ट्रैवल टाइम कट करेगा दो सिटीज के बीच में, जो कि 6 घंटे से 2.5 घंटे पे आएगा। एंड इसके लिए जो टोटल कॉस्ट एंकर किया गया है वो है 8,300 करोड़ का। सो 7 मेजर इंटरचेंजेस रहेंगे यहाँ पे, कनेक्टिविटी हरिद्वार के बीच में, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, भापकर, मेरठ एंड बड़ौत में होगी। और ये एशिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ है, एलिवेटेड कॉरिडोर है 12 किलोमीटर्स का। ओके फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2-3 फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। 12 किलोमीटर्स का ये एशिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है। ओके एंड ये आपका डिस्टेंस कट करेगा दिल्ली देहरादून का फ्रॉम 6 आवर्स टू 2.5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल गिव फ्री ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 टू इट्स सिटीजन इफ दे आर वैक्सीनेटेड एटलीस्ट वन शॉट? अगर एक शॉट आपने कोविड वैक्सीनेशन का लिया है तो फ्री ट्रीटमेंट घोषित करने वाला स्टेट केरला बन चुका है कोविड-19 के अगेंस्ट फ्री ट्रीटमेंट। ओके सो केरला विल बी गिविंग। बस यहाँ से यही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा रिलीज बाय इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है गाइस डीए में भी देखे जा सकते हैं या फिर जनरली नाबार्ड के एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। तो जो शुगर का टोटल प्रोडक्शन नवंबर एंड तक के 47.21 लाख टन का रहा है। Okay, so just remember the figure 41.21 lakh ton. इसी के साथ 4.19 लाख टन हायर रहा है लास्ट सीजन के मुकाबले। एंड लास्ट ईयर शुगर मिल्स ने प्रोड्यूस किया था 43.02 लाख टन। ओके सो दिस ईयर इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। पिछले साल के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कितना परसेंट का हाइक है, बट इस साल का डेटा आपको ध्यान में रखना होता है। सो प्रेसिडेंट यहाँ पर आईसीएमए के है नीरज शिरगांवकर। ओके सो नीरज शिरगांवकर आईसीएमए के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये डेटा को रिलीज किया था, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन। Next question, Indian American Geeta Gopinath, the chief economist of IMF since last 3 years, is being promoted at which post? So mark it as very important financial awareness question guys. So हाल ही में गीता गोपीनाथ जी को प्रमोट किया गया है as Deputy Managing Director of International Monetary Fund, IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट रही है इंडियन अमेरिकन गीता गोपीनाथ, अभी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी है जो रिप्लेस कर रही है गोफ्री ओकोमोतो को। ओके, सो गीता गोपीनाथ पहली फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट रही थी आईएमएफ की हिस्ट्री में एंड अभी वो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है ध्यान में रखना है गाइस। एंड इसी के साथ आईएमएफ की हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी है। ओके, अगला क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। साइक्लोन का नाम आपको बताना है व्हिच हिट ओडिशा ऑन 4th of December। So yes, the name of the cyclone that hit Odisha on 4th of December. Okay, so for which government pushes 14 districts on high alert and 266 rescue teams भी deploy किए थे। उस cyclone का नाम था जवाद। Okay, so जवाद आपका correct answer है। Cyclone का नाम और state का नाम यहाँ से important है। बाकी additional factors not so important, कितने NDRF teams को deploy किया गया था, ये सारी चीजें आपके awareness purpose से है। I don't think so यहाँ से detail आपके लिए बन सकता है। इसी के साथ ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। Now India is joining the G20 troika. Troika refers to the top grouping within the G20 that consists of current, previous, and incoming presidencies, Indonesia, Italy, and India. Accordingly, in which year India will convene the G20 Leaders Summit for the first time? पहली बार इंडिया G20 समिट कब कन्वीन करेगा? तो ये है आपका साल 2023, 2023 में इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट। पहला एडिशन रहेगा हमारा जहां पे इंडिया लीड करेगा G20 प्रेसिडेंसी। ओके, 1st of December 2022 में इंडिया G20 प्रेसिडेंसी को अज्यूम करेगा फ्रॉम इंडोनेशिया एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। ओके, सो दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखो। प्रेसिडेंसी अज्यूम की जाएगी 2022 में एंड समिट कन्वीन होगा 2023 में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा घोषणा की गई है और G20 असल में 26 सितंबर 1999 में बनाया गया था। ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एंड द यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कोऑपरेशन एंड सोशल एंटरप्राइज launched the 2021 edition for the World Cooperative Monitor, according to which organization ranks first among the 300 cooperatives globally? So दुनिया भर में 300 cooperatives में इनमें से कौन से organization ने top किया है? तो it is IFCO, okay, IFCO India. Okay, so IFCO India has topped this guys. IFCO का full form है Indian Farmers Fertilisers Cooperative Limited. Okay, so it is the number 1 cooperative among top 300 cooperatives. Okay, so guys, पहला पोजीशन IFCO का रहा है इंडिया से। 10th annual report release किया गया था। Exploring economic and social impact on largest cooperatives, mutual worldwide, providing a rank of top 300 cooperatives. Okay, sector-wise rankings and analysis of response to the current global challenges. तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने करंट ग्लोबल चैलेंजेस को अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है? तो इट इज IFCO इंडिया। ओके, सो इंडिया से IFCO यहाँ पे टॉप कर चुका है। क्वेश्चन बन सकता है कंपेयरिंग हाउ मेनी कोऑपरेटिव्स, तो 300 कोऑपरेटिव्स के बीच में IFCO का रैंक पहला रहा है। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो IFCO है इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है पहले भी एग्जामिनेशन में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व होना और इसकी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। डॉक्टर यूएस अवस्थी इसके MD एंड CEO है, राइट। इट हैज टॉप्ड द सर्वे सो दैट इज द रीजन गाइज इसकी स्टैटिक एग्जाम का पॉइंट बन सकता है या फिर इसका हेडक्वार्टर या फिर सीईओ. ओके सो यूएस आवस्ती एज पर द सर्वे ऑफ एनएसओ shows unemployment rate for the person of age 15 years and above in urban areas rose to 1% in January to March 2021 from 9.1% in the same month of the previous year. तो ये ESI current affairs का important question है. So unemployment rate आपका urban areas में कितना बड़ा है? 9% से बड़ा है. 9.1% से guys there is a growth to 9.3%. जनवरी मार्च 2021 फर्स्ट क्वार्टर में 9.3% जो है ग्रोथ रेट आपको देखने मिला है अनएम्प्लॉयमेंट एज 15 इयर्स ओके एंड अबाउट इन दी अर्बन एरियाज. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग फीमेल्स अगर हम देखेंगे 15 एज एंड अबाउट में 18.8% से जो है 10.6 से 11.8% हो चुका है. So the current data is important. 11.8% for females you have in urban areas and 9.3% for males in urban areas. Next question guys, continuation of the scheme for investment promotion extended from fiscal 21-22 to 25-26. So following components आपके दिए हैं investor targeting and facilitation domestic international activities, investment promotion amplification and outreach activities, project management activities. So which of the following is true regarding SIP? Again schemes आपके आजकल बैंक एग्जाम्स में भी पूछ रहे हैं and very important RBI में पूछे जाते हैं. So whether it is GA section or ESI section, schemes always play a very important role. So यहाँ पे SIP scheme के components सारे के सारे हैं. तो ये चारों components तीनों कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखना है गाइस. एसआईपी इज बेसिकली द स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ओके जिनका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर टारगेटिंग एंड फैसिलिटेशन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्टिविटीज के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करना ओके. सो एक्टिविटीज को प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज पर भी ये फोकस कर रहा है. तो ये जो है एसआईपी स्कीम है DPIIT दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा नोटिफाई किया गया है दैट द स्कीम विल बी कंटिन्यूएशन एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 5 साल के ड्यूरेशन के साथ कंटिन्यू रहेगी फॉर 2021 टू 22 एंड इट विल कंटिन्यू टिल 25 टू 26 साल 2025-26 तक के ये स्कीम का टेन्योर रहेगा. ये तीनों कंपोनेंट्स यहाँ से ध्यान रखो, एसआईपी का फुल फॉर्म ध्यान रखो एंड यहाँ पे इसका टेन्योर इज इम्पोर्टेंट गाइस एंड यस ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ओके. सो ये आपके तीनों जो थे कंपोनेंट्स क्वेश्चन का पार्ट ही रहा है. तीनों कंपोनेंट्स को अच्छे से याद कर लो ओके. तीन कंपोनेंट्स दिए थे, इसी के साथ चौथा है फॉरेन ट्रैवल ओके. फॉरेन ट्रैवल इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन. ये चौथा आपका कंपोनेंट है ठीक है. अगला सवाल, टू अचीव इट्स ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी हैज साइंड एमओयू विद हुम. तो किसके साथ ओएनजीसी का एमओयू हुआ? तो वो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेसी ओके. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है ओएनजीसी ने जो कि इंडिया का लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी है एंड ग्रीन एनर्जी एजेंडा को परस्यू करने के लिए यहाँ पर ये एमओयू किया गया है. इसके थ्रू आपका टारगेट रखा गया है मिनिमम 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर को प्रोड्यूस किया जाएगा टिल 2040 ओके एंड फोकस इज मेनली ऑन द ग्रीन एनर्जी और the renewable sources of energy through various alternatives. ONGC का MOU सेसी के साथ है. So MOU by ONGC, CMD यहाँ के है सुभाष कुमार and सेसी के MD है सुमन शर्मा. दोनों का स्टैटिक ONGC के चेयरमैन and मैनेजिंग डायरेक्टर and आपके पास सेसी के मैनेजिंग डायरेक्टर है. तो सेसी का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना गाइस. So it was basically the ONGC memorandum with Solar Energy Corporation of India. mortgage lender LIC Housing Finance Limited has announced the inauguration of its remodeled back office in which city? So guys, हाल ही में LIC Housing Finance का remodeled back office किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया था? तो वो था आपका गुवाहाटी। ओके, सो गुवाहाटी इज योर करेक्ट आंसर। इसी के साथ स्टैटिक यहाँ से बन सकता है बी विश्वनाथ गौड द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC है करेंट, एंड LIC हाउसिंग लिमिटेड का हेड ऑफिस जो है मुंबई में है। In order to facilitate investor awareness about several activities which an investor deals with, such as opening of account, KYC and in-person verification and complaint resolution, SEBI has asked the stockbrokers to provide investment charters and compliant data on their websites. From which of this date revised norms will be into effect? Market, very important question for SEBI guys. Okay, SEBI का notification है, SEBI ने जारी किया है कुछ रूल्स गाइडलाइंस इन्वेस्टर अवेयरनेस से लेकर। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स में जागरूकता लाने के लिए एक बेसिकली कुछ गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं। अकाउंट ओपनिंग, केवाईसी एंड इन पर्सन वेरिफिकेशन से रिलेटेड, कंप्लेंट रेजोल्यूशन से रिलेटेड सेबी ने कहा है स्टॉक ब्रोकर्स जो है इन्वेस्टमेंट चार्टर्स एंड कंप्लाइंट डेटा सबमिट करें अपने अपने वेबसाइट्स पे। ओके, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहे पूरे प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन जो सेबी द्वारा रिलीज किए गए थे 1 जनवरी से इफेक्टिव रहेगी। ओके, सो 1 जनवरी 2022 से ये गाइडलाइंस इफेक्टिव रहेंगे। तो सेबी आप सबको पता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी मार्केट कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्टैब्लिश किया था साल 1992 में, 1992 में टू रेगुलेट द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। Okay, so this is very important. Headquarters is in Mumbai. Next question: Electronics and IT Ministry has launched a nationwide technique on which technology for adaptation of the know-how in authorities methods, particularly for e-governance providers. अब आपके syllabus में एक topic है e-governance in finance section. ओके, चाहे आप 12वीं पढ़ रहे हो, 10वीं पढ़ रहे हो, तो e-governance एक topic है। तो इस type के सवाल उस टॉपिक से बनते हैं गाइस। स्टैटिक से ऐसे टॉपिक से सवाल कम बल्कि करंट अफेयर्स से ज्यादा बनते हैं। सो यहाँ पर ई गवर्नेंस का सवाल है। आईटी एनहांस सेफ्टी बिलीफ एंड कैपेबिलिटी टू मेक श्योर टेम्पर एविडेंट ट्रांजैक्शंस। तो मीटी ने ये टेक्निक लॉन्च किया था ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन। ओके, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे मीटी ने ये टेक्निक लॉन्च किया था। So MITI will work with numerous authorities, organization, different stakeholders के साथ MITI काम कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड वेरियस बेनिफिट्स के साथ ये रिलीज की जाएगी। बेसिकली सेफ्टी एनहांसिंग बिलीफ एंड कैपेबिलिटी ऑफ टेम्पर एविडेंट ट्रांजैक्शंस। सो ट्रांजैक्शंस को टेम्पर एविडेंट बनाने के लिए या फिर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव मीटी का रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन फ्राइडे सॉट पार्लियामेंट्री क्लियरेंस फॉर एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ रुपीज 3,73,761 करोड़, प्लेसिंग द सेकंड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द करंट फिस्कल। मोर देन 80% इज पर्टेनिंग टू 5 ऑब्जेक्ट्स, व्हिच आउट ऑफ व्हिच हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर द क्लियरेंस ऑफ प्रीवियस ड्यूज। तो कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन है गाइस। जो एक्सपोर्टर्स के ड्यूज है उनको क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुछ अमाउंट घोषित किया गया है। सो यस, द करेक्ट आंसर हियर इज 53,123 करोड़। देखते इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है 80% का, मोर देन 80% 5 ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। जो अमाउंट डिक्लेयर किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा, जिसमें से 80% से ज्यादा ओके जो अमाउंट है इज टू क्लियर पास्ट ड्यूज फॉर एयर इंडिया सेट होल्डिंग। ओके, एयर इंडिया सेट्स के पास्ट ड्यूज के क्लियरेंस के लिए 62,057 करोड़ है। एक्स्ट्रा सब्सिडी फर्टिलाइजर्स के लिए 58,430 करोड़ से, क्लियरेंस फॉर प्रीवियस ड्यूज टू एक्सपोर्टर्स जो हमारा क्वेश्चन था 53,123 करोड़ है। लार्जर अलोकेशन टू नेशन वाइड रूरल जॉब स्कीम, जॉब स्कीम्स के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया है, अलोकेशन किया गया है 22,039 करोड़ से, एंड एडिशनल फूड सब्सिडी के लिए इट इज 49,805 करोड़। सो जो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये जो अलोकेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है आपको सारे ध्यान में रखने हैं, अप्रोक्सीमेट फिगर्स, और इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री क्लियरेंस दिया गया था। एडिशनल स्पेंडिंग जो है टोटली आपकी 3,73,761 करोड़ की है, जिसमें से सेकेंड बैच डिमांड ऑफ ग्रांट रिलीज किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स एंड उनका इंडिविजुअल अलोकेशन आपको ध्यान में रखना है। तो यही डेटा यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था, जिसमें से की प्रपोजल जो है आपके सामने है, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू बताए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीग्राम हैज रिलीज द बैंक गारंटीज एंड अराउंड 9,200 करोड़। सो भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो, आउट ऑफ दिस द बैंक गारंटी ऑफ हाउ मच करोड़ इज ऑफ रिलायंस जियो वाज रिलीज्ड। ओके, रिलायंस जियो का कितना बैंक गारंटी रिलीज किया गया था? So yes, डेटा के मुताबिक the correct answer is 2,700 करोड़। ठीक है, so बैंक गारंटी ऑफ अराउंड 4,000 करोड़ रिलीज किया गया था भारती एयरटेल, 2,500 करोड़ फॉर वोडाफोन। ओके, देन यू हैव अराउंड 2,700 करोड़ जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो रिलायंस जियो का था। ओके, सो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम slashed the performance and financial bank guarantee of telecom operators by 80% in October. So, for exam point of view, just need to remember जो bank guarantee है individually किसके लिए कितनी है? So, भारतीय एयरटेल के लिए, okay, you have Vodafone Idea के लिए and you have Reliance Jio के लिए, okay. So basically जो आपकी performance bank guarantee होती है, these are issued for the performance of contract or obligation. ठीक है, सो बैंक परफॉर्मेंस पे ये बीजीज इशू किए जाते हैं। इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट इन द परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस और शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द बेनिफिशियरी लॉस विल बी मेड गुड बाय द बैंक। ओके, सो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे से कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैंक गारंटी दी गई है, अगर वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने में, ओके, या फिर लाइबिलिटी पे ऑफ करने में, तो उसके बिहाफ पे बैंक वो पे करती है। सो बैंक उसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी दे रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इन तीनों के लिए दी गई है। सो बेसिकली यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, श्री अश्वनी वैष्णव है, जो आपका क्वेश्चन से स्टैटिक यहाँ पे बन सकता है। विथ विच company Indian Army has signed a contract of 471.41 करोड़। गाइस 471 करोड़ का जो है यहाँ पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडियन आर्मी के साथ फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ IGL-1 मिसाइल्स। सो ये मिसाइल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंडियन आर्मी का भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज कॉन्ट्रैक्ट इसका किसके साथ हुआ है और कितने का हुआ है, दो चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 471 करोड़ भारत डायनामिक्स एंड इंडियन आर्मी। ओके, सो मिसाइल IGL-1M मिसाइल्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है एंड लीज पीरियड यहाँ पर 10 साल का है। ओके, 10 इयर्स इज अ लीज पीरियड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड इंडिया का मैन्युफैक्चरर है, टॉप मैन्युफैक्चरर है मिसाइल सिस्टम्स एंड एम्यूनिशंस का, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1970 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवभूषण चौहान, ओके, सो हैज रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू व्हिच कंपनी टू मार्क 75 इयर्स। सो अपने 75 इयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को मार्क करते हुए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया था। तो वो कौन सी कंपनी है? सो जिसने रिलीज किया था इट वाज महिंद्रा। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, नाम याद रखना है, देवभूषण चौहान ने हाल ही में कमेमोरेटिव पोस्ट स्टैम्प रिलीज किया था महिंद्रा ग्रुप के 75 इयर्स को मार्क करते हुए। So, आनंद महिंद्रा जी चेयरमैन है महिंद्रा ग्रुप के एंड डॉक्टर अनीश शाह इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। Union Housing and Urban Affairs Ministry has extended the timeline for the implementation of Smart Cities Mission. Okay, Smart Cities Mission का timeline extend कर दिया गया है जून 2023 तक। 2023 is the implementation for this scheme. Okay, for this mission. स्मार्ट सिटीज मिशन। ओके, सो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका टाइमलाइन एक्सटेंड कर दिया था ड्यू टू कोविड पैंडेमिक एंड अदर रीजंस। 100 स्मार्ट सिटीज मिशन सिलेक्ट किए गए हैं फॉर 4 राउंड्स ऑफ कंपटीशन फ्रॉम जनवरी 2016 टू 2018। यहाँ पे स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है वो आती है श्री हरदीप सिंह पुरी के तहत। ओके, सो द मिनिस्टर इज श्री हरदीप सिंह पुरी। ADB has approved a $1 million loan to the government of India to help the quality of the country's school education and mitigate the impact of COVID-19 okay on students learning. So हाल ही में ADB ने कितना अमाउंट जो है लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, स्टूडेंट्स लर्निंग पर इसका असर ना हो या फिर इससे हम अच्छे से लड़ पाए, राइट। स्कूल एजुकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 को मिटिगेट करने के लिए $500 मिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइड, $500 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं। सो हेडक्वार्टर्स एडीबी की मनीला फिलीपींस में है। पेटीएम मनी होली ऑन सब्सिडरी है पेटीएम की, जिसने PMS मार्केटप्लेस को लॉन्च किया था फॉर HNI इन्वेस्टर्स। The marketplace has been launched in partnership with which company? इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए PMS marketplace लॉन्च किया गया था? So ये पेटीएम ने लॉन्च किया है PMS marketplace with PMS बाजार। Okay, so यहाँ से हिंट आपको मिल सकता है PMS बाजार। Partnership with which you have to remember is partnership with Paytm Money. Next. Bangalore based fintech lending firm hai Credit B has announced its partnership with which company to launch a fully digital mode of payment, cardless EMI, very important guys. So fintech is again a part of your syllabus. Fintech पे question आपके current affairs से associated बन सकता है finance या GA section में। तो यहाँ पर Bangalore is the headquarters of Credit B. हाल ही में इन्होंने partnership करते हुए cardless EMI launch किया है फुल्ली डिजिटल मोड इन पार्टनरशिप विद M स्वाइप। ओके, M स्वाइप के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। कार्डलेस EMI किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो याद रखना है इट इज अ फिनटेक फर्म। ओके, फिनटेक मतलब जो कंपनी फिनेंस ओके और टेक्नोलॉजी का यूज करती है। फिन फॉर फिनेंस, टेक फॉर टेक्नोलॉजी। सो फिनेंस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्रेडिट बी ने M स्वाइप के साथ पार्टनरशिप की और कार्डलेस EMI लॉन्च किया जो कि फुल्ली डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है। सो क्रेडिट बी इंस्टेंट पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरी प्रोफेशनल्स के लिए, जहां पे दे कैन अप्लाई फॉर पर्सनल लोन स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 अप टू 2 लाख एज पर द रिक्वायरमेंट्स। Similarly, M स्वाइप is also a solution for payment acceptance cards, wallets, mobile payment apps, बैंक एप्स, कॉन्टैक्टलेस एंड QR पेमेंट। तो ये दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हुए कार्डलेस EMI लॉन्च किया हुआ है। अक्सर ऐसे सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब M स्वाइप का स्टैटिक रहता है। मनीष पटेल इसके फाउंडर है एंड MD है, जबकि क्रेडिट भी ये फिनटेक जो है IIT एंड IIM पास आउट का एक ग्रुप है एंड वन ऑफ देम इज मधुसूदन इकम्बरम। ओके, सो यहाँ पर इसके फाउंडर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन 4th of December एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स एंड रोल ऑफ द सर्विसेज टू द कंट्री। सो हर साल जो है 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेवी डे। ओके, सो नेवी डे हर साल कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स एंड रोल ऑफ इंडियन नेवी इन आवर कंट्री। ओके, सो या वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 1971 से ये दिन मनाया जाता है। सो वेयर 4 दिसंबर वाज चोजन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ट्राइडेंट द इंडियन नेवी सैंक 4 पाकिस्तानी vessels and thus every year since 1971 we observe it as a navy day, जहां पे स्टैटिक पूछा जा सकता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार है। रेंटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एमओयू किया है टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज through kiosks at railway stations utilizing rail wires साथ ही kiosks and Wi-Fi network with which company? So kiosk एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए रेलटेल ने ये टाई अप या एमओयू किया है CSC के साथ। ओके, सो CSC के साथ एमओयू रेलटेल ने किया है। सो याद रखना आपको रेलटेल रेल वायर साथ ही कायोस्क एंड वाईफाई नेटवर्क जो है रेलवे स्टेशंस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो बेसिकली एक दूसरे की सहायता की जाएंगी ब्रॉडबैंड के पेनिट्रेशन को, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। CSC कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी एंड मीटी Ministry of Electronics and IT flagged off a mobile van. 6 mobile vans will be deployed in 6 districts at the Azadi Ka Amrit Mahotsav to provide skill courses, financial literacy, digital literacy services along with which company? अब यहाँ पे again CSC जो है partnership कर रहा है financial services, digital services के लिए Dell Technologies के साथ। ओके, सो डेल एंड CSC का ये पार्टनरशिप है डिजिटल लिटरेसी, स्किल कोर्सेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, अदर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज मोबाइल वैन्स के द्वारा किए जाएंगे। एंड इन्होंने यहाँ पे कितने मोबाइल वैन्स, 6 मोबाइल वैन्स डिप्लॉय किए हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, सो यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन हाउ मेनी मोबाइल वैन्स वर डिप्लॉयड इन 6 डिस्ट्रिक्ट, सो इट इज 6 मोबाइल वैन्स। Next question this year UNESCO Asia Pacific Awards for Culture Heritage Conservation which Indian project have won 2 awards? So इनमें से किस प्रोजेक्ट ने 2 अवार्ड जीते हैं? यूनेस्को के मुताबिक एशिया पैसिफिक अवार्ड जो घोषित किए गए हैं इसमें से 2 अवार्ड जीते हैं दिल्ली निजामुद्दीन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने। Yes guys, तो यूनेस्को has presented this heritage awards to Nizamuddin Basti project and this was awarded for its conservation efforts, special recognition for sustainable award and award of excellence, ये 2 categories है। and project restored more than 20 historic monuments around 14th century. Okay, so exam point of view से यहाँ पे दोनों awards किसने जीते हैं? दिल्ली निजामुद्दीन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने ये जीते हैं। दोनों awards का नाम आपको ध्यान में रखना है। Sorry. Next, considering the threat of Omicron, the government has issued new rules for international travel. I think we have already seen this question, and ये महाराष्ट्र ने सबसे पहली बार देखे ये rules लगाए थे international travelers पे। ये question हम देख चुके थे, लेकिन guys कब ये rule लगे थे? ये effective रहा था 1 December से। Okay, so ये date आपको यहाँ पे additional question के तौर पे आपको ध्यान में रखनी है। BSF 1 December observe dash racing day. BSF अपना कौन सा racing day मना रहा है? Okay, 1 December को। So this was established as a unified central agency on 1 December 1965 after the wars with Pakistan and China in 1965 and 62. तो यहाँ पे साल जो है 1 December को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 57th रेसिंग डे मनाया है। ओके, सो इट इज 57th रेसिंग डे, याद रखना है। Election Commission of India is in association with High Commission of India, Pretoria, Consulate General of India, Johannesburg and Electoral Commission of South Africa participated in the international virtual seminar on which topic? So हाल ही में ये सारे associations ने किस में पार्टिसिपेट किया था? इंटरनेशनल वर्चुअल सेमिनार जो हुआ था किस टॉपिक पे हुआ था? तो गाइस यहाँ पे टॉपिक्स आपके सामने हैं, तो ECI है, ओके, हाई कमीशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है, प्रेटोरिया है, कॉन्सुलेट जनरल है, जोहान्सबर्ग है, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका है। इन सब ने जो है वर्चुअल सेमिनार किया था स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्चुअल ये सेमिनार किस थीम को लेकर हुआ है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन, ओके, इन इंडिया। 30 नवंबर को ये सेमिनार हुआ था। ओके, सेमिनार या फिर आप इसे कह सकते हो वेबिनार, ओके, वेब के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है। सो वर्चुअल था इसीलिए वी से इट इज वेबिनार एंड इसको अटेंड किया था 50 पार्टिसिपेंट्स ने फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा एकेडमिशियंस एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका आल्सो पार्टिसिपेटेड हियर. नेक्स्ट, ईरान, Russia, China and European countries resumed negotiations in Vienna to revive 2015 nuclear agreement. Okay, so nuclear agreement को revive करने के लिए यहाँ पर ईरान, रशिया, चाइना and यूरोपियन countries के बीच negotiations हुए हैं. So basically it is known as the Joint Comprehensive Plan of Action. Okay, so yeah, the nuclear agreement is known as Joint Comprehensive Plan of Action. ध्यान में रखना है गाइस, किन के बीच में नेगोशिएशंस है? बिटवीन ईरान एंड वर्ल्ड पावर्स. ओके, सो बेसिकली दिस न्यूक्लियर डील हैज बीन रेज्यूम्ड. ओके, सो दिस इज द 7th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑन 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ओके, करंटली जो कि नेगोशिएटेड है बाय यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स and you have China, France, Germany, Russia, US and Iran as a plan of as a part of JCPOA. okay, so joint comprehensive plan of action के ये participants हैं. basically यहाँ पर 2015 में जो nuclear agreement हुआ है इसको restore करने का मकसद से ये plan execute किया जा रहा है, among which the US has withdrawn in 2018. साल 2018 में यूएस ने इससे विड्रॉ किया था. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनियस सर्वर डैश डिप्लॉयड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. तो यहाँ पे जो है इंडिया का पहला इंडिजिनियस सर्वर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका नाम आपको बताना है, इट इज रुद्रा. ओके, सो रुद्रा इज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर. तो याद रखेंगे गाइस, सर्वर का नाम हमारे लिए सफिशिएंट है और इसको किसने लॉन्च किया है? सो राजीव चंद्रशेखर जी ने इसको लॉन्च किया था एंड इसको डेवलप किया गया है सीडैक एंड एनएसएम के द्वारा. CDAC is a Center for Development of Advanced Computing and National Super Computing Mission के तहत इसे लॉन्च किया गया है. ओके, रुद्रा इज द नेम ऑफ द सर्वर, इंडिया का पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है. NSM जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये रिसर्च कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है. ओके, रिसर्च कैपेसिटीज के लिए इसको लॉन्च किया गया था. ओके, सो सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड को कनेक्ट करना एंड विद नेशनल नॉलेज नेटवर्क. Okay, so this is working for improving the research capabilities. साल 2015 में NSM को लॉन्च किया गया था. इसी के अलावा जो CDAC है इसके डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल ये भी इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो MITI के तहत काम करती है. Okay, so CDAC works under MITI again for scientific research. Okay, so yeah, it's a part of government of India. Next, on which date World Soil Day is observed to raise awareness about the importance of healthy soil? Healthy soil के लिए हम ये दिन कब मनाते हैं? World Soil Day. काफी सारे days हमने देखे guys and here it is 5th of December. 5 दिसंबर को हर साल हम World Soil Day मनाते हैं और जिसका थीम जो है यहाँ पे basically थीम नहीं है इस पर्टिकुलर डेट के लिए, यहाँ पे सिर्फ पर्पस है टू ब्रिंग रेजिंग अवेयरनेस अबाउट soil management. okay, the importance of soil, importance of healthy soil. basically for this purpose we observe this day and proposal of this global day to celebrate soil was recommended firstly in 2002. पहली बार 2002 में इसको international union of soil sciences ने declare किया था. इसी के बाद 5 दिसंबर को हर साल इसको मनाने की शुरुआत की गई. why 5 December guys? it was decided to celebrate this day officially on the birthday of the late king of Thailand, HM King Bhumibol Adul Yatich, who had officially sanctioned the event. Okay, आप history में जाके भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सबके लिए टफ होते हैं. तो यहाँ पे सॉइल के पीछे, वर्ल्ड सॉइल डे के पीछे का लॉजिक क्या है? इसको मार्क या फिर इसको मनाया क्यों जाता है? बेसिकली जो थाईलैंड के किंग रहे हैं एचएम किंग भूमिबोल आयुर्देज, इन्होंने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया था. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस डे को लेकर. नेक्स्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो है टाई अप किसके साथ हुआ है फॉर लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट इन कॉनॉट प्लेस इन दिल्ली। दिल्ली के कॉनॉट प्लेस पे लग्जरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ने टाई अप किया है टीडीआई इंफ्रा कॉर्प के साथ। ओके सो यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए बस इतना है कि ये जो है लग्जरियस प्रॉपर्टीज बनाएगा गोदरेज एंड इसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा 1.25 लाख फीट का रहेगा आपका सेलेबल एरिया। ओके सो वेरियस एरियाज होते हैं कार्पेट एरिया सेलेबल एरिया तो 1.25 लाख स्क्वायर फीट का है। ओके सो मोहित मल्होत्रा यहाँ पर एमडी सीईओ है गोदरेज प्रॉपर्टीज के एंड कमल तनेजा जो है एमडी है टीडीआई इंफ्रा कॉर्प के। तो ये जो मेमोरेंडम हुआ है ये पार्टनरशिप हुई है टीडीआई इंफ्रा कॉर्प एंड गोदरेज के बीच की है। Next, Trump Media and Technology Group founded that the former U.S. President Donald Trump has announced raising $1 billion from institutional investors. The former president's media group was planning to launch a social network. So, यहाँ पे Donald Trump जो है U.S. के former president एक अपना खुद का social network बना रहे हैं जिसका नाम है Truth Social, okay, so यार the name is important guys, Truth Social, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जी का नेटवर्क रहेगा, सोशल नेटवर्क रहेगा। सो मेजर सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया था एंड नाउ ही इज डिसाइडेड टू हैव हिज ओन सोशल नेटवर्क नेम्ड एज Truth Social। नेक्स्ट Udan, India's largest business-to-business (B2B) e-commerce company is eyeing the grocery market to worth $850 billion by which year? Again, आपके finance का एक particular topic है e-commerce, तो e-commerce से related current affairs से business news है guys। यहाँ पर इंडिया का largest B2B commerce company है, e-commerce company है Udan। तो Udan जो है अपना grocery market को $850 बिलियन तक के लेके जाएंगी साल 2025 तक के। ओके सो टारगेट ईयर 2025 रहा है। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कितना इसका वर्थ बनेगा। सो मार्केट विल बी वर्थ $850 बिलियन ऑफ उड़ान। ओके सो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने चाइना के पिंडियोडो से लिया है। सो यहाँ पे कुछ चाइना के पिंडियोडो इस कंपनी के बारे में कहा गया है। ओके सो या इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हो इसे बट आई फील की बहुत ज्यादा रेलेवेंट यहाँ से आपको सवाल जो है वर्थ ऑफ द कंपनी पूछ सकते हैं या फिर टारगेट ईयर पूछ सकते हैं जो इन्होंने रखा है। Over 50% of India's eligible adult population is now fully vaccinated against COVID-19. Union Health Minister Manpreet Vohra said this. With state or UT has become fully vaccinated at 100% by giving both the doses to the eligible citizen. So, दोनों doses लेकर 100% vaccinated हुआ था हिमाचल प्रदेश। Okay, so very firstly, it was Himachal Pradesh. ओके सो एलिजिबल पॉपुलेशन यहाँ पर था 53.77 लाख का जो सारे 18 वर्ष के ऊपर के थे। ओके एंड पहला स्टेट ही कंट्री का बन चुका था अगस्त 2021 में जिसने पहला डोज लिया था एंड सेकंड एंड ऑन 5 दिसंबर 100% वैक्सीनेशन के साथ फिर ये हिमाचल प्रदेश ने ये फीट को अचीव किया। सो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जिनका काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस 100% वैक्सीनेशन टारगेट को अचीव करने में। Recently, Bangladesh marks 50 years of its formation. India became the first country to recognize the birth of brand new nation. This day is celebrated by the two nations each year as Maiत्री Divas or Friendship Day. So, on which day do we observe this? So, Maiत्री Divas, Friendship Day, यह हर साल जो है guys ऑब्जर्व किया जाता है 6 दिसंबर को। ओके सो बांग्लादेश ने इसको मार्क किया था 6 दिसंबर को। ये हर साल मैत्री दिवस हम मनाते हैं जिसको हम फ्रेंडशिप डे के नाम से भी जानते हैं। सो इन दिस इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जिसके वजह से यहाँ पर जो है बांग्लादेश ने फ्रेंडशिप डे या मैत्री दिवस को मनाने का डिक्लेरेशन दिया था। ना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अबाउट काउंसिल of Scientific and Industrial Research Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants लखनऊ का MOU किसके साथ हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ? टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। सो वेरी सिंपल गाइस, यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो इस चीज को। मेडिसिनल प्लांट्स के लिए ये हुआ है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के साथ मेमोरेंडम MOU साइन किया गया है यहाँ पर CSIR ने। ओके, सो नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का ये MOU हुआ है, जिसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है। ओके, सो इस MOU के तहत जो है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड मेडिसिनल प्लांट्स जो है आइडेंटिफाई करेगा NMPB। वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम। नेक्स्ट, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम आपको बताना है। Through this portal, the general public of the state can share their suggestions for the budget. Next year 2022-23 के budget के लिए suggestions invite करने के लिए झारखंड का ये portal है, हमार अपन बजट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हेमंत सोरेन जी ने इसको लॉन्च किया है, हमार अपन बजट। याद रखना है गाइस। सो यहाँ पे पब्लिक अपने अपने सजेशंस दे सकती है वाया ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल्स एंड थ्रू एनी अदर एप्लीकेशन। On which day International Volunteer Day celebrated? हर साल जो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। Okay, so what is the logic behind this, purpose behind this? To celebrate the efforts of volunteers and organization to offer the opportunity to promote volunteerism, volunteerism को बढ़ावा देने के लिए, right, हम ये volunteer day internationally मनाते हैं। 5 दिसंबर को इसको पहली दफा UNGA ने ऑब्जर्व किया था। Okay, so International Volunteer Day firstly UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1985 में डिक्लेयर किया था, और इसका थीम 2021 के लिए वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? NHAI के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है अलका उपाध्याय। ओके, अलका उपाध्याय इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। यहाँ से सीनियर ब्यूरोक्रेट रही है अलका उपाध्याय, चेयरपर्सन बनी है NHAI की। उपाध्याय जो है 1990 बैच से IAS ऑफिसर रही है मध्य प्रदेश के एडर से, एंड करेंटली जो है एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए, एंड नाउ अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ NHAI। सो दैट्स ऑल गाइस, अभी के लिए इतना काफी है। अगले सेशन में हम और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।